नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। और जब धर्म की फिलॉसफी की बात आती है ना, बहुत मज़ा आता है बात करने का और कनेक्ट करने का, बहुत मज़ा आता है। ये थोड़ी सी सेकेंडरी स्टडी हो रही है, इसमें प्राइमरी स्टडी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग भी लग सकता है। आपको क्या करना है इसमें कि ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये सिर्फ तथ्यों को एकत्रित करने का नहीं है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और उनके बारे में हो सकता है कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिले। जैन धर्म जो है वो बहुत प्राचीन, क्या मतलब, हिंदू धर्म से निकला हुआ धर्म ही है, इसको मानते हैं हम लोग। और ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर व संस्थापक थे। पर ये प्रसिद्धि कब पाता है, जब जो है ये महावीर जैन जो है इसकी कमान संभालते हैं। ऋषभदेव महान सम्राट भरत के पिता थे, और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख जो है श्रीमद् भगवत गीता भगवत में भी मिलता है, और कृष्ण ऋग्वेद के केशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है, ओके। और ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मिलान में आपने देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर ऋषभदेव की मृत्यु जो है वो कैलाश पर्वत पर हुई थी, अटब्बे पर। जैन धर्म में कुल 23 तीर्थांकर हुए थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। कुल जो तीर्थांकर हुए वो 24 हुए हैं, ठीक है। और पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर बैरागी बन गए थे। पार्श्वनाथ को सौम्य पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ महावीर से 250 वर्ष पहले हुए थे, और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, ओके। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प था। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थांकर के बारे में पढ़ें, तो वो थे महावीर जैन, स्वामी महावीर स्वामी, या स्वामी महावीर कुछ भी बोलो, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व होता है, कहाँ, वैशाली के निकट जो है एक कुंड ग्राम में होता है, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो कभी कभी पूछा जाता है। महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह है, और ये हमेशा पूछा जाता है। महावीर स्वामी के पिता जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। किस कुल के मुखिया, ज्ञात्रिक कुल के, ये कुल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी वैशाली के लिच्छवी राज्य, जो हमारा बहुत फेमस जो है वो ट्राइब रहा उस समय का, लिच्छवी, उसकी जो है राजकुमारी थी, राजा चेटक की बहन, उनसे हुआ था, है ना, माता इनकी त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जिसने अपनी पुत्री का जन्म जिसे इनकी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम जो था वो अनुजा प्रियदर्शनी था। तो उनकी एक पुत्री भी थी, बुद्ध के एक पुत्र थे। आपको जो है उन दोनों का अलग अलग करना आना चाहिए। महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्मिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाई साहब, ये हो गया एक फैक्ट हमारा, कहाँ पर हुई, रिजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में कैलब्य की प्राप्ति कहा जाता है, कैलब्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना करी थी। कहाँ पे, पावापुरी में, ओके। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में जीवों पर दया, अहिंसा पर अधिक ध्यान जो है बल दिया गया है, इसलिए जैन धर्म के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खेती भी नहीं करते हैं, या फिर वो व्यापारिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्स रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं ना, और मुंह पे जो है वो कपड़ा बांध के चलते हैं, कपड़े बिल्कुल वाइट पहनते हैं कभी कभी, है ना, आपने देखा होगा तो। और बहुत अमीर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई जीव हत्या नहीं करना पड़ती है, वो सिर्फ व्यापार। और गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा है ये धर्म, आपको देखने को मिलेगा। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए
त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन रत्न जो है वो दिए गए हैं कहाँ पे, जैन धर्म के अंदर मुख्यतः ये तीन रत्न है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किया था। क्या बोला, ये पार्श्वनाथ जो थे ये कपड़े पहनने के समर्थक थे, पर जो ये महावीर जैन थे ये पूर्णतः नग्न रहने के का समर्थन इन्होंने किया। बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, साथ ही ये भी मानता है कि आत्मा पिछले जन्म के कर्मों एवं इच्छाओं की वजह से बंधक के रूप में रहती है, ऐसा मानना है इनका, जैन धर्म वालों का। तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों को, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मिलकर हुआ है, इनको मिटाया फिर बनाया नहीं जा सकता। ओके, तो ये इनका जो है वो फिलॉसफी है। जैन धर्म में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है, जो है जीव, अजीव, असुर और बंध, संबर और निर्जरा और मोक्ष, इन सब के आपको पता होना चाहिए। एक-एक वर्ड का अलग-अलग मीनिंग है। जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्त जो है वो मार्ग का स्थान प्रधान है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर या गंधर्व कहा जाता था, और मध्यकाल में जैन धर्म 2 भागों में, दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था, डिवाइडेड हो गया था। दिगंबर जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, श्वेतांबर जो थे वो सफेद कपड़े पहनते थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्णन किया उनका। भद्रवाव के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है, और ये जो थे भद्रवाव द्वारा रचित कल्प सूत्र जो है जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। निर्युक्ति के रचयिता भी भद्रवाव ही हैं। ओके, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी ने निगस्ट नाथ पुत्र और निर्ग्रंथ सात पुत्र की जो है पुत्र भी कहा गया है महावीर स्वामी को, किसमें, बौद्ध साहित्य में निगस्ट नाथ पुत्र और निर्ग्रंथ सात पुत्र जो है वो भी कहा गया है। और जैन ग्रंथों का जीवन चरित्र जो है कल्प सूत्र नामक जैन ग्रंथ में वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं। ओके, और जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था, जबकि बौद्ध ने पाली का। जैन धर्म में 18 पाप माने गए हैं, जो है हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, मैथुन, दोषारोपण, चुगली, असम्य और असंयम और रति, और संयम में अरति, परनिंदा, कपटपूर्ण, मिथ्या, मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। और जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में मथुरा, उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, और मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का जो है वो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। और इनका जो रचना काल है ना, बहुत सारा साहित्य जो है वो लिखा गया आपका पल्लवी के अंदर, वो इसमें मेंशन नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण जो है वो 72 वर्ष की आयु के अंदर 400 468 ईस्वी पूर्व जो है वो बिहार के पावापुरी के अंदर हुआ, जहाँ संघ की स्थापना उन्होंने करी थी। ओके, तो जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के नाम हैं ऋषभदेव आदिनाथ, अजिंतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितिनाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुप्रास, चंद्र प्रभु, शीतलनाथ, श्रेयांश, वसु पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ मतलब मल्लीनाथ, ये सारे पढ़ लेना आप, नेमिनाथ, अरिशनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये सारे के सारे जो है वो 24 तीर्थंकर रहे हैं हमारे। जैन धर्म का अर्थ है जिन को मानने वाले या जिन का अनुयायी, ये जिन वो नहीं जो रात को मिलता है, जिनका अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी और शरीर पर पूर्ण रूप से इंद्रियों पर काबू पाया वही जिन होता है। ठीक है, कहा जाए कि जीत लिया हो वही जैन है। जैन धर्म के 5 महाव्रत है,
सत्य अहिंसा अपरिग्रह असत्य ब्रह्मचर्य पालन जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था चार पहले के थे। तो इसी के साथ हम लोग जो है ज़्यादा लंबा नहीं, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने डिस्कस करी। उम्मीद है आपको ये मददगार जो साबित होगा पीजीटी और यूजीसी नेट के अंदर, और आपकी जो है मनोरथ सफल होंगे। इसी के साथ जो है वो मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।